जब आप सोने जाते हैं तब आप लाइट्स, कंप्यूटर्स, टीवी, फोन्स, एक्स्ट्रा फैंस और स्टोव सब कुछ बंद कर देते हैं। पर क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन क्या करता है? आपके ब्रेन का वर्किंग तभी भी चालू होता है। इनफैक्ट आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है जब आप सोने जाते हैं और ऐसे काम करता है जिसकी वजह से आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर अपना वर्क रूटीन पर जा सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट क्लियर्स आउट द थ्रैश। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड ज्यादा पंप आउट होता है जब आप सोते रहते हैं। ये एक वैक्यूम क्लीनर जैसा काम करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जैसे कि मॉलिक्यूलर डिट्रिस जो ब्रेन सेल्स को बनाते हैं, और टॉक्सिक प्रोटीन जो आपको डिमेंटिया भी देते हैं, और ऐसे सारी चीजों को निकाल देता है। इट लॉक्स इन व्हाट यू लर्न। आपका ब्रेन रिस्टोर करता है इन्फॉर्मेशन जो इनग्रेन हुई है दिन भर में। एक्सपर्ट इसे कंसोलिडेशन कहते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लॉस से प्रोटेक्ट करता है और आपकी लर्निंग एबिलिटी को बूस्ट करता है। ये आपके लैंग्वेज स्किल्स और हैंड आई कोऑर्डिनेशन को एनहेंस करता है। इट प्रिजर्व्स इम्पोर्टेंट मेमोरीज। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका ब्रेन चूज कर सकता है कि कौन से एक्सपीरियंसेस मोस्ट वैल्यूएबल है और उसको एनहेंस करता है। इट हेल्प्स यू टू कीप क्रोनोलॉजी स्ट्रेट। आपका ब्रेन रिप्ले करता है सारी मेमोरीज आपके डेली टू डूज की और हेल्प करता है री एस्टेब्लिश ऑर्डर करने का। और ये वाला टास्क तब होता है जब आप सबसे गहरी नींद में रहते हो। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम एक्टिंग आउट योर ड्रीम्स। डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप, जिसे स्टेज 4 बोलते हैं, इस वक्त आपका ब्रेन नर्व इम्पल्सेस को मैसेज भेजता है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए कि मोटर न्यूरॉन्स को टर्न ऑफ कर देने, जिनकी वजह से आप टेम्पररी पैरालिसिस में जाते हैं, ताकि आप अपने स्टोरीज और ड्रीम्स को रिक्रिएट करते ना रहे और सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो देखा ना आपने कि आपका ब्रेन क्या कुछ नहीं करता जब आप सोते रहते हो। इसलिए जब आप सोते हो तो आपका ब्रेन एंडलेस चीजें करता है और आपको नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए एकदम तैयार करता है और आप एकदम फ्रेश रहते हो। तो दोस्तों, इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों।